हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल वन मधु ब्लॉगर। और आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों की जो स्किन है वो ओल्ड एज तक कैसे सही रहे, कैसे अच्छी रहे और चमकदार बनी रहे। तो चलिए पहले तो बात करते हैं उस परिस्थिति के बारे में जिसका सामना हम सभी को ही करना पड़ता है, और वो परिस्थिति है बुढ़ापा। बुढ़ापा हम लोग चाहें और ना चाहें, दबे पाँव हमारी ज़िंदगी में आ ही जाता है और हमारी स्किन पर, हमारे बालों पर, हमारी बॉडी पर दिखाई देने लगता है। हम प्रयास तो बहुत करते हैं कि बुढ़ापा नहीं आने देंगे, लेकिन ये ऐसा कटु सत्य है जिसे हम टाल नहीं सकते। हाँ, लेकिन हम इसे कुछ टाइम के लिए ज़रूर टाल सकते हैं। तो होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसा कह सकते हैं कि आज मत आओ बुढ़ापा, 6 महीने बाद आना, कुछ साल बाद आना। तो ऐसा हम लोग ज़रूर कर सकते हैं अगर हम लोग अपनी स्किन का ध्यान रखते हैं, क्योंकि स्किन पे ही सबसे पहले बुढ़ापा आना शुरू होता है। तो एक ऐसी एज होती है कि 30 ईयर के बाद, 40 ईयर्स के बाद कि हम लोगों को बुढ़ापा दिखना शुरू होता है। 30 के बाद जैसे ही हम लोग 30+ होते हैं, वैसे ही अपने फेस पर ध्यान देना शुरू करते हैं, क्योंकि इस टाइम ऑलमोस्ट हमारा कैरियर सेट हो चुका होता है, शादी हो गई होती है, बच्चे हो गए होते हैं, तब हम लोग अपनी स्किन पर ध्यान देना शुरू करते हैं। तो आप चाहें 30+ हों, 40+ हों, 50+ हों, तो ये वीडियो आपके लिए है कि आप अपनी स्किन का कैसे ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम लोग अपनी स्किन का ध्यान करने के लिए काफ़ी लेट हो चुके होते हैं। और तो इसमें पहली चीज़ ये है कि जब हम 30+ होते हैं तो हमारे जो मतलब हम लोगों को हाइड्रेशन पर बहुत ध्यान देना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। हर 10 kg वज़न पर 600 से 700 मिलीलीटर पानी हमें चाहिए होता है, जो हम लोग नहीं पीते हैं। तो पानी ही हमारी स्किन को ग्लोइंग रखता है, क्योंकि 75% पानी है हमारी बॉडी में। तो आप लोग पानी ज़रूर पिएं। और सेकंड नंबर पर है कि हमारे रूटीन में हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी स्किन ग्लोइंग रहे, और जो हमारे स्किन में जो कोलेजन बने, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कोलेजन बने और वो टूटे नहीं, इसी से हमारी स्किन सही रहती है। और 30 के होते होते ही ये चीज़ें हम लोगों को चालू कर देनी चाहिए, जिससे नया नया कोलेजन बनता रहे और जो पुराना टूट रहा है उसकी मरम्मत होती रहे। तो इसके लिए आपको कैप्सिकम है, शिमला मिर्च है, अपनी रूटीन में ज़रूर शामिल करें। हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां, वो इसमें ज़रूर शामिल करें, जैसे सैलड वगैरह है, ये सब भी आप खाते रहें। और नंबर 3 है, आप पम्पकिन सीड भी ले सकते हैं। पम्पकिन सीड भी हमारी स्किन के लिए जो है वो बहुत फ़ायदे करते हैं। और डेली 1 चम्मच देसी गाय का घी आप ज़रूर लें, क्योंकि देसी गाय का जो घी होता है वो नुकसान नहीं करता, इसमें फैट नहीं होती है। तो बॉडी को चिकना बनाए रखने के लिए आपको देसी घी, अपनी स्किन को भी स्मूथ रखने के लिए आपको देसी घी भी बहुत ज़रूरी है, जिसको हम लोग अवॉइड करते हैं, सोचते हैं कि हम लोग मोटे ना हो जाएं, लेकिन बॉडी के लिए चिकनाहट भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे कुछ मार्केट में सप्लीमेंट भी आते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा जो कोलेजन है वो बढ़ता है, 20% तक बढ़ सकता है। उसे दूध के साथ लेना होता है। आप अपना यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, ऐसे सप्लीमेंट भी आते हैं, विटामिन बेस्ड होते हैं। और इसके अलावा आपको विटामिन सी बेस्ड क्रीम का यूज़ करना चाहिए, और सीरम, ऐसे ही सीरम यूज़ करने चाहिए जिससे आपकी स्किन अच्छी रहेगी। और आपको क्या करना है कि आपको धूप में ज़्यादा देर नहीं रहना है, क्योंकि धूप से भी हमारी स्किन बहुत काली पड़ जाती है ज़्यादा धूप में रहने से, और लूज़ भी पड़ती है, स्किन डार्क होती है, लूज़ भी पड़ती है। और आपको क्या करना है कि बहुत ज़्यादा जंक फूड का सेवन नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आपको घर का ही खाना हो, क्योंकि जंक फूड में ऐसे ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है जो आपकी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। और आपको ये करना है कि आपको जो भी प्रोडक्ट लेने हैं वो आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही लेने हैं। जैसे किसी की स्किन ड्राई है तो आपको वैसे ही प्रोडक्ट लेने हैं, किसी की ऑयली है तो आपको वैसे प्रोडक्ट लेने हैं। जब आप लोग प्रोडक्ट बदल देते हैं
तो भी आपकी स्किन को नुकसान पहुंचता है। और इसके अलावा है कि ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए आप, ज़्यादा स्ट्रेस लेने पर भी हमारी स्किन पर ही सबसे पहला फ़र्क पड़ता है। और लूज़ स्किन को आप फिर से टाइट कर सकते हैं, स्किन को अच्छे से मसाज करें ऑयल से, रात को सोने से पहले ज़रूर करें। ये मसाज आप सरसों के तेल से भी कर सकते हैं, नारियल के तेल से भी कर सकते हैं। अगर आप इसे रात में छोड़ सकते हैं तो रात भर के लिए छोड़ दीजिए, और गुनगुने पानी से 3 से 4 मिनट तक मसाज के बाद गुनगुने पानी से इसको धो सकते हैं। लेकिन अगर आप छोड़ सकते हैं तो इसे रात भर के लिए भी छोड़ दें तो फ़ायदा ही होगा। और अगर किसी को ज़्यादा चिपचिप लगता है तो आप उसे गुनगुने पानी से धो भी सकते हैं। और स्किन टाइटनिंग के लिए मास्क का सेवन ज़रूर करें, मुल्तानी मिट्टी का फेस लगा सकते हैं। फेस पैक आप मुल्तानी मिट्टी में 1 चम्मच गुलाब जल डाल सकते हैं और 1 चम्मच शहद डाल सकते हैं। तो इसे और इसका फेस पैक आप लगाइए थोड़ी देर के लिए, बाद में इसे धो दीजिए। तो देखिए इससे भी स्किन आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। तो जो कुछ भी हम लोग अपनी स्किन के लिए कर सकते हैं वो आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग घर के कामों में और ज़िंदगी की भाग दौड़ में इतने बिजी होते हैं कि शायद अपने पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपको अपने पर भी ध्यान रखिए, अपने को फिट एंड फाइन रखिए। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में अपनी राय बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स मेरे चैनल के लिए न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लें। ओके, थैंक यू।